तो फ्रेंड्स, आज के सीएसएस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। ऑर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से फ्रेंड्स हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फ्लैक्स आइटम को ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा ये जो ब्लू बैकग्राउंड वाला जो कंटेनर है, ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर है और इसके अंदर जितने भी ये व्हाइट बैकग्राउंड वाले जो एचटीएमएल एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं वो है हमारे फ्लैक्स आइटम्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी फ्लैक्स आइटम्स है वो सीक्वेंस में अरेंज है। कार्ड वन, कार्ड टू, कार्ड थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो कार्ड सिक्स है ये यदि हमें फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो इस केस में हम ऑर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है, जितने भी हमारे फ्लैक्स आइटम्स है उन सभी फ्लैक्स आइटम्स की अलग अलग क्लास देनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सभी की अलग अलग क्लास दे रखी है, कार्ड वन, कार्ड टू, कार्ड थ्री, इस तरीके से। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार्ड सिक्स को हमें फर्स्ट नंबर पे डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में कार्ड सिक्स का जो भी क्लास है उस क्लास को हमें यहाँ पे मेंशन करना है स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसका नाम है ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है जीरो और ये कुछ इस तरीके से अरेंज होती है। यहाँ पे देखिए ये जो जीरो वैल्यू है ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है और यदि हमने किसी फ्लैक्स आइटम्स के ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू लिखी है वन तो वो जीरो के बाद डिस्प्ले होगा और यदि किसी और फ्लैक्स आइटम्स के अंदर हमने वैल्यू लिखी है टू तो वो वन के बाद डिस्प्ले होगा। सेम इसी तरह किसी और फ्लैक्स आइटम्स के अंदर हमने तीन वैल्यू लिखी है तो वो टू के बाद डिस्प्ले होगा और इस तरीके से ऑर्डर वाइज यहाँ पे अरेंज होते जाएंगे। सेम इसी तरह यदि हमने किसी फ्लैक्स आइटम्स के ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर माइनस वन वैल्यू लिखी है तो वो जीरो से पहले डिस्प्ले होगी, किसी और फ्लैक्स आइटम्स के अंदर हमने माइनस टू वैल्यू लिखी है तो वो माइनस वन से पहले डिस्प्ले होगी और इस तरीके से वो माइनस में अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो हमारे आउटपुट में जितने भी फ्लैक्स आइटम्स है उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है जीरो और यदि हम सिक्स नंबर के कार्ड्स के अंदर हम वैल्यू लिखते हैं माइनस वन तो वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। क्यों? क्योंकि सिक्स नंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी फ्लैक्स आइटम्स है उनकी जो ऑर्डर प्रॉपर्टी की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है जीरो, सो जीरो आ गए हैं बाद में और जो माइनस वन वैल्यू थी वो आ गया है फर्स्ट नंबर पे। सेम इसी तरह यदि हमें फाइव नंबर का जो कार्ड है वो सबसे लास्ट में डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे उस क्लास को हम मेंशन करेंगे कार्ड फाइव, ठीक है, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे ऑर्डर और इसकी वैल्यू हम देंगे वन। तो देखिए फ्रेंड्स कार्ड फाइव जो है वो सबसे लास्ट में डिस्प्ले होने लग गया है तो इस तरीके से जिस फ्लैक्स आइटम्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है सबसे बड़ी होगी वो सबसे लास्ट में डिस्प्ले होगा और जिस फ्लैक्स आइटम्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले होगा। समझ में आ गया? चलिए, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।